हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 से 6 महीने के बच्चे के लिए नैपी बनाएंगे। ये कपड़ा लिया मैंने डबल फोल्ड में, इसी चौड़ाई ली मैंने 16 इंच और इसकी लेंथ ली मैंने 19 इंच। यहाँ से हम ऊपर की ओर से चार इंच छोड़ेंगे, फोल्डिंग में जाएगा ये। और यहाँ नीचे की ओर से हमने ऐसे हमें 5 इंच लेना है नीचे की ओर से, और यहाँ से भी हमें जो हमने 4 इंच छोड़ी है वहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे। अब हम इसको तिरछी लाइन देके कट करेंगे इस तरह से। यहाँ से गोलाई का शेप दिया मैंने। इस तरह से इसको हम इस तरह फोल्ड करके सी लेंगे यहाँ से नेफी की ओर से। इसको कैसे सिलते हैं मैं अभी हम देखेंगे। पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से नीचे की ओर से फोल्ड करेंगे। यहाँ साइड से हम पहले सिलाई देंगे। आप चाहे तो इसको पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ नीचे की ओर थोड़ा फोल्ड करेंगे हम। अब हम ऊपर की ओर से फोल्ड करके यहाँ पे इसको सिले देंगे।
अब यहाँ पे वेलक्रो लगाएंगे। ये मैंने वेलक्रो लिए, एक एक इंच के टुकड़े कट किए हैं इस तरह से। एक यहाँ पे लगाएंगे हम और एक यहाँ साइड में लगाएंगे इस तरह से, या फिर थोड़ा अंदर की ओर लगाएंगे यहाँ, जिसे अपनी बच्चे की कमर की साइज हो इस हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ यहाँ कुछ भी आप, या इसका बड़ा टुकड़ा भी ले सकते। इस तरह से हम दोनों साइड को एक एक वेलक्रो लगाएंगे। अब हम यहाँ बीच वाले में भी लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम दूसरा साइड का भी लगाएंगे हम। इस तरह से ये बच्चे की नैपी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।